बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, असल में ये वीडियो बनाने का मकसद आपके वो कमेंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में आ रहे हैं, क्योंकि अब आपने देखा पिछले एक हफ्ते के अंदर इंग्लैंड की तरफ से काफ़ी रायतें दी जा रही हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम में। और एक रियासत जिसका मैंने आपको बताया था, उस पर मैंने वीडियो भी शेयर की थी, वेल्स, जहाँ पर ख़ास तौर पर रायत दी गई है इस साल के आखिर तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास 31 दिसंबर 2020 से पहले के प्रूफ हैं। आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, आप जानते भी होंगे, जिनके पास प्रूफ नहीं थे लेकिन प्री सेटलमेंट स्टेटस लेके बैठे हुए हैं। ये अब आप पे काम करता है कि आपको नेशनलिटी अगर बाद में भी मिली है तो अब आप वो प्रूफ किस तरह बना सकते हैं इंग्लैंड में रह के। अगर आपका कोई ख़ास रिलेटिव रहने वाला है तो वो आपकी मदद इस बारे में कर सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं और उससे मदद हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे तकरीबन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ये जानती है कि कौन कौन से वे हैं जिसके ज़रिए प्री सेटलमेंट स्टेटस वहाँ पे अभी भी ली जा सकती है, तो उन वेज को इस्तेमाल करके वो लोगों की मदद करवा रहे हैं और कर रहे हैं, और उसके तहत वहाँ पे लोग जो है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस ले रहे हैं। इस वक्त जो यूके की ऐलानात है उससे ये लग रहा है कि यूके चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मजीद यूरोपियन जो है वो यूके का रुख करें और वहाँ पे काम करें और रहें। ख़ास तौर पे यूके में जैसे कि बहुत बड़ी शॉर्टेज है वर्कर्स की, तो वो शॉर्टेज को भी पूरा करना चाहता है। इसमें सबसे जो अहम वामल है वो ये है, अगर वो शॉर्टेज को पूरा करना चाहे इलीगल इमीग्रेंट से तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उनको लीगल करना पड़ेगा। यूरोपियन बाशिंदे क्योंकि एक स्कीम के तहत ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, लीगल हो रहे हैं, इस वजह से उनको लीगल नए सिरे से करने का प्रोसेस यूके को नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि वो यूरोपियन बाशिंदों पे ख़ास तौर पे जो है वो इस तरह के ऐलान करने के बाद उनको मज़ीद फैसिलिटेट कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो स्कीम में और ज़्यादा से ज़्यादा यूके में अपना पड़ाव करें, रहें और अपने काम में जो है वो मज़ीद फील्ड्स में जो कि शॉर्टेज का शिकार है यूके में वर्कर्स, उनकी कमी को पूरा की कर सके। इस वक्त हालात कुछ इस तरह जा रहे हैं कि 3-4 फील्ड्स तो ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत में उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, बाकी फील्ड्स में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी जो इस वक्त परेशानी का बायस है यूके की वो यही है कि वो फील्ड्स जो कि बैकबोन का की अहमियत रखती हैं किसी भी माशरे के लिए, अगर उनमें शॉर्टेज मजीद बढ़ती है तो एक बहुत बड़ी इकॉनमी को धचका लगेगा यूके को, और यही वजह है कि यूके अब उनको प्रिपेयर करने के लिए ये तमाम इकदाम कर रहा है। दूसरी तरफ ब्रेक्सिट के बाद अब डायरेक्टली वो बहुत बड़ी तादाद में भी ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने करीब आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इत्मीनान रखें, जो इंग्लैंड जाना चाहते हैं नेशनलिटी उनकी पास है, अभी अगर उनको नहीं भी मिली आने करीब मिलने वाली है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 99% के यूके का रास्ता बंद नहीं होगा, वहाँ पे कोई ना कोई वे, कोई ना कोई वर्क परमिट्स का भी ऐसे मुख्तलिफ वेज ओपन होते रहेंगे ताकि आप वहाँ पे जाके काम कर सकें, सेटल हो सकें और वहाँ पे रह सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।